जे चैनल पाई गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दबा दियो और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। हरियाणा देखने वाले ने सारे ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। हरियाणा में खेल नीति को सरकार भले ही बड़ा चढ़ाकर बताती हो, लेकिन जो हालात खिलाड़ियों के हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। मामला रोहतक के महम इलाके इंद्रगढ़ गांव का है। यहां पर इस बेटी के घर गोल्ड सिल्वर मेडलों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन आर्थिक तंगी में कोई भी मदद करने को तैयार न था। जब ये बेटी मनरेगा मजदूरी पर निकली तब जाकर आंखें खोली, मीडिया ने प्रमुखता से मुद्दा उठाया तो कुछ राहत मिली। इस बेटी की आर्थिक तंगी की जानकारी जब अभय चौटाला के बड़े बेटे करण चौटाला को मिली तो उन्होंने फोन पर बात की। इसके बाद करण चौटाला ने वुशु खिलाड़ी शिक्षा को 10,000 रुपये मासिक सहायता देने का ऐलान किया। अब जब अभय चौटाला खुद पहुंचे तो वुशु खिलाड़ी को 15,000 रुपये मासिक देने की बात कही। इंद्रगढ़ गांव की वुशु खिलाड़ी शिक्षा 56 और 60 किलो भार वर्ग में 9 बार नेशनल और 24 बार स्टेट लेवल पर गोल्ड सिल्वर और ब्रोंजा मेडल जीत चुकी है। शिक्षा के पिता दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। खिलाड़ी शिक्षा को खेल विभाग से कैश अवार्ड और SC स्कॉलरशिप का इंतजार था, लेकिन वो नहीं आ रही थी, जिसके बाद शिक्षा ने मनरेगा में दिहाड़ी करनी शुरू कर दी। शिक्षा ने बताया कि विभाग की तरफ से जब भी पूछा गया तो पैसे नहीं आने की बात कही। इसके बाद परिवार की आर्थिक तंगी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वह अपने डाइट के लिए घर से गुजारा कर सके, इसलिए शिक्षा ने फिर दिहाड़ी मजदूरी का रास्ता अपना लिया। शिक्षा ने 2 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप MDU की अगुवाई की और सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। MDU रोहतक के खेल निदेशक डॉक्टर देवेंद्र सिंह ढोल ने कहा कि खिलाड़ियों को तकलीफ नहीं होने दी जाएगी, वुशु खिलाड़ी शिक्षा को जल्द आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि जैसे ही मामला मीडिया में आया तो केंद्रीय खेल मंत्री ने हरियाणा की इस खिलाड़ी को 5 लाख रुपये की मदद की मंजूरी दी। 22 साल के खिलाड़ी के लिए यह राशि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के जरिए मंजूर की गई। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।